एबीपीएस न्यूज़ सच का साथी। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक यादव एवं जिला अध्यक्ष लखनऊ से संतोष यादव जी आज 40 दिन से धरने पर बैठ रहे हैं, जबकि आज दीपावली का दिन है और गोवर्धन भैया दोज फिर भी वहां अपने धरने की कमान रखे हुए हैं। उनका यह कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वह अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। अगर तब तक उनकी बात सरकार नहीं मानती तब तक आने वाले लोकसभा चुनाव में माननीय सरकार का विरोध करेंगे। परिचय दीजिए अपना। राम सेवक यादव कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश। ये बताइए, आप 1.5 महीने से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और आज तो दीपावली, आप घर भी नहीं गए हैं, तो आगे की इसकी रणनीति क्या है? आगे की रणनीति बनाई जाएगी। 24 सितंबर से बैठे हैं हम। जो गांधी जी का सपना था गांव स्वराज का, उसको जब तक वो नहीं पूरा हो जाएगा तब तक ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा। ये बताइए, सरकार तक आपकी बातें पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं? सरकार तक रोज एलआईयू के साथ ही रोज पहुंचा रहे हैं। 24 सितंबर को पूरा महात्मा आया था, 24 सितंबर को ले गया, फिर 3 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ जिला मुख्यालय पर, और डीएम के माध्यम से भी ज्ञापन 3 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया। तो वहां से आश्वासन क्या मिला है? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब सरकार क्या करेगी, या सरकार जाने, सरकार का काम जाने। सरकार का कोई भी अधिकारी आप लोगों से मिलने के लिए आता है? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है। एलआईयू के साथ ही आते हैं, एलआईयू के साथ ही अपनी रिपोर्ट देते हैं। उसके अलावा अभी कोई अधिकारी और मंत्री या सरकार की ओर से कोई सचिव, प्रमुख सचिव अभी तक कोई नहीं आया। परिचय दीजिए। मैं संतोष यादव, अखिल भारतीय प्रधान संगठन जिला अध्यक्ष लखनऊ। आज ये धरना, आज 45 दिन पूरे हो रहे हैं और हमारे जितने प्रधान हैं लखनऊ के और प्रदेश के जितने प्रधान हैं, इसमें बहुत तेजी से और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और धरने को सफल बना रहे हैं। हम लोगों ने 24 तारीख को प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करके और इस शासन को बताने का काम किया था कि हम लोग निर्वाचित प्रधान हैं, हम लोगों की जनून मांगे हैं, 73वां संशोधन करिए और उसको संशोधन करके लागू करिए। आज हम लोगों को 45 दिन हो गए इको गार्डन में धरना देते हुए, और मैं अनुरोध करना चाहता हूं इस गुंगी बहरी सरकार को कि हम लोगों की जो ये जन समस्याएं प्रधानों की हैं, अगर इन समस्याओं पे कार्रवाई और प्रधानों की समस्याओं का निदान नहीं हुआ है तो आज भी दीपावली के दिन भी हमारा इको गार्डन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक यादव जी के नेतृत्व में आज भी 50 प्रधान यहाँ पर दीप जला करके और इस धरने को सफल बनाने का कार्य कर रहे हैं। हर आम आदमी का अधिकार होता है कि आज त्योहार के दिन अपने घर पे त्योहार मनाए, लेकिन आज ये प्रधान संगठन अपनी लड़ाई लड़ने के लिए और आज यहीं पर त्योहार मनाएगा, यहीं पर हम लोग दीप जलाएंगे और दीप जला करके दीपावली को और जो हमारा एक भारत में सबसे बड़ा एक सौभाग्य और सबसे बड़ा पर्व आज हम लोग इको गार्डन में मनाने का निर्णय लिया है। अगर ये प्रदेश की गुंगी बहरी सरकार आज भी हम लोगों के बारे में नहीं चेतती है तो आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से सलाह करके और आगे का बड़ा मिशन, बड़ा कार्यक्रम करने का हम लोग संकल्प लेंगे। और ज्यादा ना कुछ कहते हुए, त्योहार का दिन है, हम सारे अपने प्रधान साथियों के और राम सेवक यादव जी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो धरना दिया, सारे लोगों के गोसाईगंज के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष फूलचंद यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनको धन्यवाद देता हूँ और जितने अशोक भाई को धन्यवाद देता हूँ, जितने हमारे प्रधान यहाँ गोसाईगंज से हैं, मैं सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिससे इस धरने को सफल बनाने के लिए गोसाईगंज का जितना प्रधान हमारा साथ दिया है और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, मैं सारे प्रधानों को धन्यवाद, साधुवाद और बधाई देता हूँ। और बधाई देता हूँ आज दीपावली पर सारे व्यक्तियों को और अपने प्रधान संगठन को, अपने सारे प्रधानों को इस दीपावली के शुभ अवसर पर बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ मीडिया प्रभारी को जो यहाँ पर आकर के हम लोगों को कवरेज किया और हम लोगों की बात रोज आकर के सुनते हैं और यहाँ से हम लोग कवरेज करके इलाव के माध्यम से सरकार को हमारी बात पहचाने का कार्य करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ
जय हिंद जय भारत अखिल भारतीय प्रधान संगठन। ये बताइए, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोग तो अभी चुनाव आ रहा है, अब नेताओं की जरूरत है। हम लोग पंचायत से अपने बल पे चुने हुए जनप्रतिनिधि प्रधान है। हमें कोई चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, किसी सरकार की हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग अपने बलबूते अपनी मेहनत से पंचायतों में और पंचायतों में अध्यक्ष बनते हैं और प्रधान कहलाते हैं। तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और जब मैं गांव का मुखिया हूं तो ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि हमारी बातों पर विचार करना पड़ेगा, और नहीं तो 2019 जब इसका मतदान होगा तो सब जो कुछ हम लोगों को मन में होगा, जो जनता के बीच होगा, जनता के मन में वो करेंगे। थैंक यू।